हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल अकरम फैशन डिजाइनर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3.25 मीटर कपड़े में से सेमी पटियाला सलवार की कटिंग किस तरह से की जाती है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, आज की वीडियो जो हम कटिंग करने वाले हैं, जब आप इसको सिलकर तैयार करेंगे तो ये नेहरू सलवार भी बन जाएगी, उसका तरीका भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे इसी कटिंग करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, उससे पहले भी हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो दोस्तों, सलवार की कटिंग करने के लिए देखिए, ये जो हमारे पास कपड़ा है, ये कपड़ा है 3.25 मीटर का, और इस 3.25 मीटर कपड़े में से हम 36 इंच की लंबाई सलवार और इसमें हम मोहरी रखेंगे, वो रखेंगे 11 इंच की। तो वो किस तरह से होगी, आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सलवार की कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो कपड़ा है हमारा, हम इसको इस तरीके से खोलेंगे और इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे हमारी बेल्ट। बेल्ट निकालने के लिए दोस्तों, यहाँ से देखिए, ये जो कपड़ा है, तो हमारे किनारे हैं, इन दोनों किनारों को हम आपस में इस तरीके से बराबर कर लेंगे। और इस तरीके से बराबर करने के बाद फ्रेंड्स, हम इसको यहाँ से फोर फोल्ड कर लेंगे यहाँ से। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर जो छोटा बड़ा कपड़ा है और जो धागे निकले हुए हैं, हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ देखिए, हमने जो कपड़ा है उसकी कटिंग कर ली है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी साइज की बेल्ट चाहिए चौड़ाई में, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन हम इसमें बेल्ट जो रखने वाले हैं दोस्तों, वो रखेंगे 8 इंच चौड़ी। तो 8 इंच के लिए हम यहाँ पर इसमें से इस तरीके से निशान लगा देंगे और दूसरा निशान लगाएंगे हम यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। दोस्तों, सलवार की कटिंग करते वक्त आपको हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, आप हमेशा सलवार कटिंग करने से पहले ये देख लें आपको बेल्ट कहाँ से और किस तरीके से निकालनी है। दोस्तों, बेल्ट निकालने के बाद हम बेल्ट को रखेंगे साइड में, और जो ये हमारे बेल्ट साइज है दोस्तों, ये हमारा एकदम फिक्स है, क्योंकि जो हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये जो बेल्ट का साइज हम बेल्ट रखेंगे तैयार 20 इंच की। तो यहाँ से देखिए, ये पूरा कपड़ा है जो 20.5 इंच का है, और सिलाई लगने के बाद ये 20 इंच का तैयार रह जाएगा। तो जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है दोस्तों, अब हम इसमें से निकालेंगे पट्टे। और पट्टे निकालने के लिए ये देखिए, ये सलवार का कपड़ा है हमारा, हम इसको इस तरीके से फैलाएंगे। और इस तरह से फैलाने के बाद देखिए, यहाँ पर दो हमारे दो किनारे हैं, इन दोनों किनारों को आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से किनारे मिलाने के बाद जो सारा कपड़ा है हमारा इस तरफ आ चुका है, और जो कुछ कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा इस तरफ है, तो यहाँ से हम कपड़े को इस तरीके से मारेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से देखिए दोस्तों, जो छोटा बड़ा कपड़ा है, हम यहाँ से इसको कैंची से बराबर कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ से हमने कपड़ा है जो इसको कुछ बराबर कर लिया है। और दोस्तों, पट्टे निकालने के लिए हम आपको बताते हैं, जो हमारी सलवार इसका मेजरमेंट है 36 इंच की, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, और 11 इंच के रखने वाले हमें इसकी मोहरी नीचे से, और हमारी 20 इंच की रह जाएगी बेल्ट, जो कि हमने पहले ही कटिंग कर ली है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो 36 है, 36 में यहाँ पर 3 इंच ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि दोस्तों 2 इंच चला जाता है हमारा ऊपर की तरफ नेफे में, और आधा इंच चला जाता है नीचे जब हम पोंछे बनाते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल 39। तो यहाँ देखिए, जहाँ पर भी हमने कपड़े की कटिंग की है, जहाँ से यहीं से हम 39 इंच फिक्स कर लेंगे 39। और उसके बाद ऊपर की तरफ हम लगाएंगे निशान। दोस्तों, यहाँ पर जो 39 इंच का रहा है निशान, यहाँ रहा है हमारा, लेकिन हम इसमें बेल्ट लगाने वाले हैं, तो जो बेल्ट की हमने कटिंग की है दोस्तों, वो की है 8 इंच की। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे 7 इंच, यानी जितनी भी हमारी बेल्ट है हम उससे 1 इंच कम लेते हैं कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे 7 इंच से। तो इस लाइन को हम खींचेंगे इस तरह से सीधा, और ये हमारे पट्टे की लंबाई का निशान है। उसके बाद देखिए, जो हमारे बॉटम यानी मोरी है, वो है 11 इंच की। तो 11 इंच की मोरी बनाने के लिए दोस्तों, हम यहाँ से जो हमारा पट्टा है उसकी सिर्फ कटिंग करेंगे 10 इंच की। तो यहाँ पर एक 10 इंच पर निशान लगा लेंगे, और एक निशान लगाएंगे यहाँ पर 10 इंच का, और इस तरीके से यहाँ पर भी 10 इंच का निशान लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो हमने 10 इंच का निशान लगाया है, इसके ये हमने इसलिए लगाया है, यहाँ पर हम 11 इंच की मोरी बनाएंगे, और उसके बाद इस लाइन को सीधा खींच देंगे इस तरीके से। ये निशान हमने लगा लिया है। जो भी अगर 36 इंच की सलवार लंबाई बनाना चाह रहा है, वो हमारी इस वीडियो को देख सकता है और इसकी पूरी की पूरी कॉपी कर सकता है, अगर आपका बेल्ट का साइज 20 इंच का है तो। तो उसके बाद अगर आपका साइज हैवी है तो दोस्तों, आप उसी के अकॉर्डिंग आपका बेल्ट जो एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो अब यहाँ से जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर जो हमारे पट्टे हैं उसकी कटिंग कर ली है, और इसकी जो मोहरी बनाएंगे वो बनाएंगे हम यहाँ पर 11 इंच की। तो 11 इंच की मोहरी यहाँ लिख देंगे, क्योंकि कारीगर को बनाते वक्त परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारे पट्टे जो हमने निकाल लिए हैं, इनको हम रख देंगे साइड में। और उसके बाद ये जो हमारे पास कपड़ा बचता है, इस कपड़े में से हम निकालेंगे हमारी कलियों को। और कलियाँ निकालने के लिए देखिए,
यहाँ पर जो हमने पहले ही कपड़े कटिंग की थी पट्टे को सफाई करने के लिए, तो यहाँ पर हमने इस कपड़े को छोड़ दिया। तो इस कपड़े को हम यहाँ से आगे ले जाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ से इसको दोबारा से सेट करेंगे। तो जो हमारी लंबाई है दोस्तों वो यहाँ पर हम फिक्स रखने वाले हैं कली निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमने पट्टे निकाले हैं तो हमारी लंबाई भी यहाँ पर फिक्स है। तो यहाँ से देखिए हम 2 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा, ये हमारी कलियाँ हैं जो यहाँ से हम इसको 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर ये निशान लगाने के बाद देखिए दोस्तों अब हम लगाएंगे आसन में, क्योंकि दोस्तों आसन में हम जो निशान लगाने वाले हैं उसके लिए हम किस तरह से निशान लगेगा आसन में। तो ये जो हमारा कपड़ा है हम इसको खींच लेंगे आगे की तरफ, यानी सारे कपड़े को ऊपर ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ से जो हमने पट्टे निकाले हैं दोस्तों ये देखिए यहाँ जो हमने पट्टे निकाले हैं, उसके बाद ये जो हमारा कपड़ा है हम इसको नापते हैं हमारे पास ये कपड़ा कितना बचेगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा कपड़ा बच रहा है ये बच रहा है 30 इंच का, और 30 का आधा हो जाता है दोस्तों 15। तो यहाँ पर 15 इंच का हम लेंगे आसन हमारा, यहाँ देखिए ये आसन का निशान हमारा यहाँ इस तरफ लगेगा। तो जो दोस्तों अगर हमें यहाँ पर कपड़ा जोड़ना नहीं होता तो हम इसका आसन लेते हैं 9.5 या 10 इंच का, तो हम इसमें कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ेंगे इसका घेर बढ़ाने के लिए, तो ये हो जाएगा 15 इंच का। तो यहाँ पर 15 के बजाय आप इसको 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इसको 16 ले लेंगे, 15 भी ले लेंगे 16 भी ले लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें आसन इसी के अकॉर्डिंग लगाना है कितना हमारा कपड़ा वहाँ से निकलेगा, जितना कपड़ा वहाँ से हमारा निकलेगा उतना ही हमें यहाँ पर इसको निशान को लगा लेना है। तो ये देखिए एक निशान हमारा ये हो गया और दूसरा निशान हमारी कली का ये हो गया, तो इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिलाएंगे, या एक निशान लगा लेंगे बीच में और उसके बाद स्केल से इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो हमने निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कटिंग करने के बाद हमने हमारे एक साइड की जो कलियाँ हैं उनको निकाल लिया है, और इनको हटाएंगे यहाँ पर साइड में, और ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है दोस्तों हम इसको इस तरीके से बिछा लेंगे घुमाकर, यानी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है लटकता हुआ वो बाहर की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे। और इस तरह से बराबर करने के बाद यहाँ से देखिए जो हमने पहले ही कटिंग की है हमारी कलियों की, इनको इस तरीके से इन्हीं के ऊपर बिछा लेंगे, और जो हमारी कलियाँ कटेंगी इसके बराबर कट जाएंगी इस तरीके से। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है ये हमने सारा बराबर कर लिया है, और इस तरह से फ्रेंड्स बराबर करने के बाद सबसे पहले हम कटिंग करेंगे इधर से। ये देखिए जो हमारी कलियों का उबला वाला हिस्सा है हम यहाँ से इनको बिल्कुल बराबर इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों कटिंग करने के लिए जो ये जो हमारा कपड़ा है इसको बिल्कुल यहाँ से अलग कर लेना है, और इस तरह से अलग करने के बाद जो हमारे सलवार का कपड़ा है कलियों का इसको इस तरीके से घुमा लेंगे, और इस तरीके से घुमाने के बाद हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे। फिर यहाँ से खोलने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है ऊपर की तरफ से, हम इस कपड़े को ये देखिए डबल फोल्ड में है तो हम इसको सिंगल कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से इसकी दोनों किनारों को मिला लेंगे, और ये दोनों किनारे मिलाने के बाद ये जो हमारा कपड़ा है ये देखिए ये जो हमारी कली है छोटी, और ये हमारी कली जो हमने इसकी कटिंग अभी नहीं की है इस एक्स्ट्रा है, तो ये जो छोटी वाली कली है हमारी हम इसमें कपड़े को इस तरीके से मिला देंगे। देखिए दोस्तों जितना हमारा मार्जिन में चला जाएगा यानी दबाव में चला जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से इसको मिला लेना है। ये देखिए बिल्कुल हमने इसको जमा लिया है, और उसके बाद ये देखिए जो हमारे ऊपर वाली कली है ये जो इसकी सीधी कटिंग है हमें इस तरीके से इसको यहाँ पर जमा लेना है हमारे स्केल को, और उसके बाद यहाँ से इसकी इस तरह से सीधे लाइन को आगे की तरफ कर लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये सीधी लाइन हो चुकी है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं जो नीचे वाला कपड़ा है ये वाला हमारा ये कपड़ा कहाँ पर आएगा, तो आप इसको उंगली से महसूस कर लें। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा जो कपड़ा है यहाँ है, तो इसी तरीके से ये देखिए ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पर है। अब यहाँ से हमें लगाना है दोस्तों हमारा आसन, जो कि हमें फिक्स रखना है हमारा आसन कितना रहेगा, हमें इसके लिए आसन चाहिए वो चाहिए 10 इंच का, तो यहाँ पर हम 10 इंच का आसन का निशान लगाएंगे इस तरीके से। निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा निशान है हम इस निशान को इस निशान में मिलाएंगे इस तरीके से। तो अभी तो हमने जो लाइन खींची थी यहाँ से इस तरीके से खींची थी, लेकिन अब इसको हल्का सा इस तरह से तिरछा कर लेंगे, और इस तरह से इसकी तिरछा करने के बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा हमने उसकी कटिंग कर ली है, और ये जो हमारी जो कपड़ा है हमने इससे फायदा ये होगा यहाँ पर हमारा जो घेर है वो भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हमारी कलियाँ हैं जो एक तरीके से कट
चुकी हैं। आपको भी दोस्तों इसी तरीके से कटिंग करनी है और आपके सलवार को घेर को बढ़ा लेना है। जब भी आपके पास कपड़ा कम हो तो इस तरीके से आपका कपड़ा एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी कली हो गई और यहाँ पर ये जो देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, ये कपड़ा है जो हमारा पोंछे में काम आ जाएगा। अगर आपका बेल्ट का हैवी साइज है तो आप इस कपड़े को वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेल्ट का साइज बढ़ाने के लिए। और ये कपड़े हैं जो हमारे, ये भी पोंछे में काम आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारी बेल्ट है जो हमने पहले ही कटिंग की है, और यहाँ पर ये यह हमारे पट्टे। इस तरीके से देखिए दोस्तों हमारी सलवार कम्प्लीटली कट चुकी है। और तो दोस्तों बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारी वीडियो पसंद आ जाती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, क्योंकि जब भी हम कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे वो वीडियो आप तक टाइम टू टाइम आ जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कोई इसी तरह का अगला और नया टॉपिक लेकर। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।